तो हम जजों की तनख्वाह है और अफसरों की तनख्वाह है बढ़ाए और हम जो है महीने के 20 तारीख के बाद आपसे मांगते फिरे, ये तो ऐसा ठीक नहीं है ना। मैं करप्शन नहीं करता, मैं इधर उधर से जो है वो दो नंबरी में नहीं करता, मैं तनख्वाह पे पलता हूँ। अब आपके जज की तनख्वाह देखे, क्या एक कप चाय पिलाता है कोई जज किसी को, वो भी सरकारी पैसे से? क्या इस पब्लिक को डील करने में डीसी का कोई बड़ा रोल होता है, किसी और का होता है, कोई ऑफिसरों का होता है? तो उनकी कितनी तनख्वाह है और कितने मरात है और एक उसका आपके आवाम के मुंतखब नुमाइंदे की क्या हालत है? अगर उसके दो पैसे अगर बढ़ भी गई है तो मर्ज़ी है ना, ये बढ़ा के दे उनको भी तो यहाँ से पास करा के ले जा। हम ये देखते हैं कि जो कुछ पैसे इस्लामाबाद से मिलते हैं या आगे पीछे से जमा होती है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन इंसाफ पर है या नहीं है। हम वाजी नहीं है, एक साल पहले का है और इसको ब्यूरोक्रेसी ने जो है ना डंडी मार के उसके अंदर जो है गड़बड़ करके साल तक इसको मंजूर नहीं कराया था, हमने ज़बरदस्ती उसको पास कराया है कि आप ऐसा नहीं कर सकते, हमारे रास्ते में तुम नहीं आ सकते हो। हम ये देखते हैं कि जो कुछ पैसे इस्लामाबाद से मिलते हैं या आगे पीछे से जमा होती है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन इंसाफ पर है या नहीं है, हम ये देखते हैं। अब इसके अंदर सरसरी तौर पर हमने ये देखा है कि मेरे हलके में निस्बतन थोड़ी बहुत रिलीफ मिली है। मैं तफसील से देखूंगा तो इसमें कितना क्या कुछ है वो कल परसों ही बताने की पोजीशन में होंगे। फ़िलहाल सर दस्त जो कुछ निशानदहियाँ हमने उसके बारे में स्कीम्स के बारे में की थी उनमें से बेशतर जो है इसके अंदर रिफ्लेक्ट है और इसी बुनियाद पर हमने एहतजाज नहीं, बिल्कुल बराबरी का तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन मैं जाती आपने मुझसे पूछा है तो मैं अपनी बात करूँगा। मेरे हल्के के अंदर कुछ चीज़ें जो है वो निशानदेही मैंने की थी, सरकार की तरफ से भी कोई 30-40 करोड़ रुपए के को अकोमोडेट करने के लिए उन्होंने कहा था तो हमने वो किया था और तकरीबन रिफ्लेक्ट है, मैंने देखा है पूरी तफसील से, फिर मैं देखूंगा। तो इस हद तक तो बात दुरुस्त है, बाकी बराबर तकसीम हुआ हो मुझे नहीं पता, क्योंकि ऑनगोइंग स्कीमें पिछले साल की बहुत ज़्यादा है, उसमें ऊंच नीच बहुत ज़्यादा है, हो सकता है इस मरतबा बराबर हुई हो सकता है अब तक भी ना हुई। तनख्वाह जो है वो करने के लिए उसको इजाफा करने का मैं ज़ाती तौर पर खुद हामी हूँ, उसकी वजह ये है कि मैं करप्शन नहीं करता, मैं इधर उधर से जो है वो दो नंबरी में नहीं करता, मैं तनख्वाह पे पलता हूँ। अब आपके जज की तनख्वाह देखे, क्या एक कप चाय पिलाता है कोई जज किसी को, वो भी सरकारी पैसे से? क्या इस पब्लिक को डील करने में डीसी का कोई बड़ा रोल होता है, किसी और का होता है, कोई ऑफिसरों का होता है? तो उनकी कितनी तनख्वाह है और कितने मरात है और एक उसका आपके आवाम के मुंतखब नुमाइंदे की क्या हालत है? अगर उसके दो पैसे अगर बढ़ भी गई है तो मर्ज़ी है ना, ये बढ़ा के दे उनको भी तो यहाँ से पास करा के ले जा। तो हम जजों की तनख्वाह है और अफसरों की तनख्वाह है बढ़ाए और हम जो है महीने के 20 तारीख के बाद आपसे मांगते फिरे, ये तो ऐसा ठीक नहीं है ना। वाजी नहीं है, एक साल पहले का है और इसको ब्यूरोक्रेसी ने जो है ना डंडी मार के उसके अंदर जो है गड़बड़ करके साल तक इसको मंजूर नहीं कराया था, हमने ज़बरदस्ती उसको पास कराया है कि आप ऐसा नहीं कर सकते, हमारे रास्ते में तुम नहीं आ सकते हो।